हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम ऊर्जा संसाधन के अंदर पढ़ेंगे ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के बारे में। अब देखिए, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा को हम एक नाम और दे सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, महासागरीय धाराएं ऊर्जा। मतलब महासागर की धारा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा को हम ऐसे समझें कि आपका महासागर का पानी है, ये महासागर का पानी जब हलचल करता है तो ये हलचल करता हुआ तटों पर टकराता है। अब वहां पर टकराते वक्त अगर हम वहां पर कोई ऐसा उपकरण रख दे कि उस ज्वारीय तरंगों से जो उत्पन्न हुई जो लहर है और उस क्या कहें उस उपकरण के ऊपर जाके लगे और वो उपकरण फिरे और उसमें जो टरबाइन होता है वो टरबाइन विद्युत उत्पन्न करे, ऐसी ऊर्जा ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा कहलाती है। अब मैं इसको सीधे और सिंपल तरीके से समझाऊं कि आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है। देखिए, समझिए ढंग से, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी हमारी क्या करती है, घूर्णन करती है, इस तरीके से फिरती है। एक मतलब पृथ्वी का घूर्णन। अब दूसरा सुनिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा, इनमें गुरुत्वाकर्षण होता है, खिंचाव होता है। तो आपका चंद्रमा जब सूर्य आपकी पृथ्वी पर प्रभाव डालता है या फिर सूर्य पृथ्वी पर प्रभाव डालता है तो उसमें एक खिंचाव पैदा होता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब दो कारण हो गए आपके पास में, एक पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण। अब देखिए, दोनों का मतलब समझिए, हमारी जब पृथ्वी घूमती है, देखिए पृथ्वी घूम रही है तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैं भी अगर किसी झूले पे मेरे को बिठा दो और उसको फिरा दूं मैं, तो मेरी बॉडी तो हलचल करेगी करेगी, बॉडी के साथ में बॉडी के अंदर उपस्थित हमारी शरीर के अंदर उपस्थित जो भी है वो सब कुछ हलचल करेगा। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर है पानी, ठीक है, आपका महासागर उपस्थित है। अब जब सोचिए हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, फिर रही है, तो भाई सीधी सी बात है, आपका महासागर का पानी क्या करेगा, महासागर के पानी में हलचल होगी, क्या होगी, हलचल, और इस हलचल की वजह से लहरें उत्पन्न होगी, ठीक है, धाराएं उत्पन्न होगी और ये धाराएं कहां पर जाके टिकेगी, आपके तटों पर टिकेगी, ठीक है ना, और ये कंटिन्यू रहता है, ये बार बार ऐसी कंडीशन पैदा होती है, हमारी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी तो रुकती नहीं है, पृथ्वी घूमती जा रही है और आपके महासागर का पानी के अंदर हलचल पैदा हो रही है और इसी हलचल से क्या पैदा हो रही है, धाराएं, और यही धाराएं जाके टकराती है तटों पर, ठीक है, तट पे मैंने छोड़ दिया इसको। अब दूसरी चीज सुनिए, चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यहां पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये क्या करती है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचता, ये दोनों पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। अब ये तो है नहीं पूरी पृथ्वी खींचकर चली जाए इसके पास में, सूर्य चंद्रमा के पास में ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो यहां पर पानी जो होता है, ये पानी इन आकर्षण की वजह से पानी ऊपर की उठता, ऊपर उठा, अब पूरा पानी उठ गया, थोड़ा बहुत उठा, 10 मीटर 20 मीटर ऊपर उठा और फिर गिर गया, ठीक है, जितना खिंचाव होता है उतना खिंच गया, अब पूरा पानी तो खिंच नहीं सकता, जितना खिंचता है उतना खिंच जाता है, ऊपर उठ जाता है और फिर वो नीचे आके गिर जाता है। जल स्तर का बढ़ना और फिर गिरना, फिर बढ़ना फिर गिरना, ये चंद्रमा के गुरुत्व और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, ठीक है, जिससे होता क्या है, अब इस कारण से पानी ऊपर व नीचे गिरता रहता है, ठीक है, ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से पानी में हलचल पैदा होगी, हलचल पैदा होगी तो क्या बनेगी, धाराएं बनेगी, धाराएं कहां जाके टकराएगी, तटों पर। देखिए, अब ये भी तट पर आ गई धाराएं और इससे बनने वाली धाराएं भी कहां पे आ गई, तटों पर आ गई, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि ये धाराएं इसके कारण और इसके कारण, इन दो कारणों की वजह से धाराएं देखिए इस तरीके से जा रही है, भाग रही है और यहां पर आपका क्या है, तट है, ठीक है, ये आपका तट है,
ये आपकी धाराएं हैं और ये धाराएं पैदा हुई किसके कारण से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से। दोनों ही बल के कारण हमारा पानी जो है उसमें विक्षोभ पैदा हो रहा है, पानी हलचल कर रहा है, धाराएं बन रही है और जाके तटों पर टकरा जाती है। अब आपको करना क्या है, यहां पर एक टर्बाइन लगानी है। टर्बाइन का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, पवन ऊर्जा और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, पवन ऊर्जा के बारे में बताया, जल ऊर्जा के बारे में बताया था आपको मैंने, जिसमें टर्बाइन होता है, ठीक है, उसमें आपका जो चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय उपकरण है इसे हम कहेंगे, और इसमें क्या होती है, इस तरीके से प्लेटें लगी रहती है, इस तरीके से देखिए ऐसा, ठीक है, ऐसी प्लेटें लगी होती है। अब क्या होता है, जब ये धाराएं जो है इन प्लेटों पे आके गिरती है तो ये फिरने लग जाता है इस तरीके से, आगे की ओर बढ़ेगा ऐसे, फिर ये जाएगा, फिर धाराएं इस पे टिकेगी, फिर इस पे टिकेगी, तो मतलब ये एक तरीके से पंखे की तरह क्या करने लगता है, घूमने लगता है। अब जब ये घूमेगा तो इसमें जो लगी चुंबकीय जो तरंग कहें या उपकरण कहें या फिर हम एक तरीके टर्बाइन जिसे हम बोलते हैं, इसमें चुंबक तत्व उपस्थित है, चुंबक मौजूद है, तब ये जब फिरेगा, धारा आती है इसको फिराती है, इसको क्या कर रही है, वो फिरा रही है। फिरने से क्या होता है, ये जो चुंबकीय उपकरण अंदर टर्बाइन लगे होते हैं इनमें घर्षण होता है और उसी घर्षण की वजह से पैदा होती है विद्युत। इस तरीके से भैया जी ज्वारीय और तरंग ऊर्जा से हम विद्युत पैदा करते हैं, समझ आई बात। तो यहां पर पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर के अंदर हलचल पैदा होती है, धारा उत्पन्न होती है, धाराएं तटों पर टकराती है, और यहां पर लगे टर्बाइन जो होते हैं वो फिरते हैं और विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। देखिए भारत इस पे काम कर रहा है, ठीक है, और भविष्य के अंदर ये एक बहुत ही जरूरी, फायदेमंद और ज्यादा फायदेमंद देने वाली एक ऊर्जा बन सकती है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब आपको करना क्या है, कैसे इसको लिखना है उस पर हम बात कर लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब मैं इसके अंदर लिखना क्या है आपको वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको देखिए ज्वारीय तरंग ऊर्जा को महासागरीय धारा ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिखनी है पहली लाइन क्या, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सागर का जल स्तर बढ़ना व गिरता है। प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है। बस इसी प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय या तरंग ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये जो लाइन मैं लिखवा रहा हूं आपकी किताब में नहीं मिलेगी, मैं जोड़कर इसको लिखवा रहा हूं जिससे आपका आंसर भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना, सामने वाले को पढ़ने में मजा आएगा। घूर्णन गति के कारण, अब यहां पर पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित वाली बात आ गई, ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर मुख्य रूप से, ठीक है, आपकी पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी पर जब घुमाव होगा तो एक तो ये कारण मुख्य रूप से, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण व चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर के जल का स्तर उठता व गिरता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी आपके घूर्णन की गति के कारण पृथ्वी पर मुख्य रूप से व चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर का जल का स्तर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ठीक है, जल का स्तर उठता है और नीचे गिरता है। और ये जो प्रक्रिया होती है 12 घंटे में संपन्न होती है, प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है, या लिख दीजिए प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है, ठीक है, इसे कहते हैं ज्वारीय, पानी का ऊपर उठना गिरना, ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
ज्वारीय तरंग ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सीधी सिंपल सी परिभाषा मैंने बताई है कि हमारी पृथ्वी जब घूमती है और चंद्रमा सूर्य के आकर्षण के कारण पानी में विक्षोभ पैदा होता है, ये विक्षोभ की वजह से जिसे हम ज्वारीय चक्र कहते हैं, ये विक्षोभ की वजह से पानी तटों पर टकराता है, वहां पर तटों पर जो भी हम टर्बाइन लगाते हैं वो टर्बाइन फिरते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो इसे बोलते हैं ज्वारीय तरंग ऊर्जा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी, ये आपकी परिभाषा भी हो गई, आंसर भी हो गया। अब इसके आगे क्या जोड़ना है, देखिए महासागरीय धाराओं की ऊर्जा अपार है, अनंत भंडार है। दूसरी लाइन ये लिखेंगे, महासागरीय धाराएं ऊर्जा अनंत अपार भंडार है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप महासागरीय धारा से काफी अनंत ऊर्जा पैदा कर सकते हो। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ज्वारीय तरंग और महासागरीय धाराओं से ऊर्जा बढ़ाने पर निरंतर प्रयास चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी बड़े स्तर पर यह कार्य हो रहा है। ठीक है ना, और वो समय दूर नहीं है जब भारत के अंदर ये ऊर्जा बड़े स्तर पर पैदा की जाएगी। ठीक है, पर काम इस पे 17वीं 18वीं शताब्दी से हो रहा है। लिख देंगे 17वीं 18वीं शताब्दी से ही महासागरीय तरंग व ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने पर प्रयास निरंतर चलता आ रहा है। ठीक है, मैंने समझा दिया है कि यह उत्पन्न कैसे होती है ऊर्जा। भारत का जो पश्चिमी तट है, मैं भारत की बात करूं तो ये भारत का निचला हिस्सा है, ये आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये तट, इस तट के ऊपर ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है और वो भी बड़े स्तर पर। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे अपन, इस लाइन को भी मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे कि भारत के पश्चिमी तटों पर वृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। भारत के पश्चिमी तटों पर वृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। समझ आई बात। इसी के साथ में एक लाइन और जोड़ देंगे कि भारत के पास में तटों पर ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इसका प्रयोग उपयोग नहीं हुआ है। इसको आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, भारत के तटों पर ज्वारीय तरंग उत्पन्न करने की संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसे उपयोग में नहीं लिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।